बाजी मार ली। आपको बताते हैं कि न्यूज इंडिया ने लक्ष्य दिया था 149 का, लेकिन ईटीबी उसको क्रॉस नहीं कर पाया। और हाँ, यहाँ पर न्यूज इंडिया ने जीत हासिल करते हुए ये जीते अपने नाम कर ली। जीत का आगाज हो गया है, विजयी आगाज किया है न्यूज इंडिया के तमाम खिलाड़ियों ने, और जोश, उमंग, उत्साह का संचार, जीत का जश्न देख सकते हैं मैदान पर। जिस प्रकार से विजयी आगाज किया है, क्वार्टर फाइनल की ओर अग्रसर हो गई है न्यूज इंडिया की टीम। तमाम खिलाड़ियों की मेहनत, तमाम खिलाड़ियों का परिश्रम का ही कारण रहा कि न्यूज इंडिया ने यह मुकाबला जीत लिया है। दूसरा मुकाबला जीता गया। न्यूज इंडिया के कोऑर्डिनेटर निखिलेश शर्मा को गोदी में उठा लिया है सुनील सुशीला शर्मा जी और राकेश शर्मा जी ने। तमाम खिलाड़ियों में जश्न का माहौल है, तमाम खिलाड़ी जोश में है, जुनून में है, खुश नजर आ रहे हैं कि ये जो बड़ा लक्ष्य था, बड़ा था, वो उसको चेस कर लिया और जीत गए हैं न्यूज इंडिया की टीम। विजयी आगाज किया है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं क्वार्टर फाइनल के लिए न्यूज इंडिया का रास्ता साफ हो गया है। तमाम कयास थे कि न्यूज इंडिया किस प्रकार जीत पाएगी, पहली बार की टीम है, कैसे जीतेगी, लेकिन इसको मुनासिब संदेश को अपने लक्ष्य तक पहुंचाया और यही कारण रहा कि न्यूज इंडिया आखिरकार इस मैच को जीत रही है। ईटीबी भारत को करारी शिकस्त न्यूज इंडिया के तमाम खिलाड़ियों ने दी और जीत अपने पाले में ली, गेंद अपने पाले में ली। ऊंट आखिरकार न्यूज इंडिया की करवट बैठा है, ये देख सकते हैं तस्वीरें किस प्रकार का जश्न न्यूज इंडिया के खिलाड़ियों में देखती है। वाकई में तस्वीरें देखने लायक हैं, न्यूज इंडिया के तमाम खिलाड़ियों का उत्साह देखने लायक है, क्योंकि जिस प्रकार का जीत का विजयी आगाज किया है न्यूज इंडिया के खिलाड़ियों ने, ये वाकई में काबिले तारीफ है। ये देखिए जश्न का आगाज, विजयी आगाज, जीत का जश्न न्यूज इंडिया के चीतों में, न्यूज इंडिया के शेरों में, न्यूज इंडिया के घोड़ों में देखते ही बनता है न्यूज इंडिया का विजयी आगाज, विजयी जश्न। और सबसे बड़ी बात है, न्यूज इंडिया का जो दारोमदार था वो न्यूज इंडिया के कप्तान दीपक चावला पर था। भले ही अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए हो, लेकिन 3 विकेट लिए और अपनी टीम को जीत हासिल करें। खास बातचीत करते हैं टीम के कप्तान दीपक चावला से। दीपक, अच्छी बैटिंग नहीं कर पाए थे, लेकिन अच्छी बॉलिंग, अच्छी फील्डिंग करी, यही कारण रहा कि दूसरा मैच भी जीत लिया है न्यूज इंडिया ने। बिल्कुल लखवीर, बड़ा लक्ष्य हमने नहीं दिया था, 150 रन था, लेकिन हमें ये मन में था कि 150 रन भी ठीक है। ऐसे कई मैच हुए जहां पर 150 रन को डिफेंड किया गया है और हमें उम्मीद थी, क्योंकि हमारी बॉलिंग लाइन, बॉलिंग अटैक और फील्डिंग अटैक काफ़ी अच्छा है। हमें पता था कि 150 रन ठीक है। पहला विकेट इनका जो आदित्य आत्रे के रूप में मिला, जो कि इनका सबसे मजबूत बल्लेबाज था, उसका विकेट हमारे बॉलर मुबारक खान ने लिया और उसके बाद टीम में काफ़ी जोश आया और उसके बाद ईटीवी की टीम जो है लगातार ताश के पत्तों की तरह बिखरती गई और आखिरकार न्यूज इंडिया ने 150 रन पर डिफेंड किया और टीम को एक अच्छी जीत मिली। और इसके साथ ही इस पूरे टूर्नामेंट प्रेस प्रीमियर लीग की पहली ऐसी टीम बनी है जो कि क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। तो विजयी आगाज कहीं ना कहीं हो गया और जिसका संचार, जिसके जश्न का संचार कहीं ना कहीं न्यूज इंडिया ने कर दिया। क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो गई है न्यूज इंडिया और मैदान में अभी भी जोश, जुनून, उत्साह, जीत का जश्न कायम है। तमाम खिलाड़ी जीत का जश्न मना रहे हैं। रहमतुल्ला खान को आप तस्वीरों में देख पाएंगे किस प्रकार का जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनकी टीम ने विजयी आगाज किया है, विजयी पताका फहराई है। वाकई में काबिले तारीफ है, क्योंकि जिस प्रकार से न्यूज इंडिया के चीते खेले हैं, न्यूज इंडिया के खिलाड़ी खेले हैं, वाकई में जीत बनती ही थी। और जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि बैटिंग अच्छी है, लेकिन नहीं, इन्होंने ये तय किया, इन्होंने ये दिखा दिया कि बैटिंग ही नहीं, बॉलिंग में भी न्यूज इंडिया के तमाम खिलाड़ी अच्छा करते हैं परफॉर्म, और फील्डिंग भी इनकी बहुत ही मजबूत है। और इसी के साथ ही यही कारण रहा कि न्यूज इंडिया ने अपने झोली में ये जीत हासिल की और अब कहीं ना कहीं क्वार्टर फाइनल में दाखिल होने जा रहे हैं।